हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CIDA के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गियर बनाने वाली मशीन या फिर टूल किट, आप जो कह लीजिए इसको। लेकिन दोस्तों, इससे काफ़ी अच्छी गियर बन के निकलती है, आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों, इसका कटर बनाने के लिए मैंने एक टिन की शीट ली है, तो इसके कटर का लंबाई हम रखेंगे लगभग 1.5 सेंटीमीटर। आपको दोस्तों ये आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, और इसका एक तरफ का एंगल जो होगा वो लगभग 3 mm का होगा, यानी दोनों तरफ मिला के हमको 6 mm नापना है। और इसको बीच से 90 डिग्री एंगल पर, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसे मोड़ देना है। बेसिकली दोस्तों, मैंने इसे अभी 90 डिग्री एंगल पर मोड़ा है ताकि मैं इसे आसानी से काट सकूं। इसके बाद आपको इसे वी शेप में प्लायर से मोड़ लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इसको आपको वी शेप में कुछ इस तरीके से प्लायर से मोड़ लेना है। दोस्तों, ये शेप बिल्कुल ही गियर के एक टीथ के जैसा होगा। ओके दोस्तों, इसे लंबा करने के लिए मैंने इसमें साइकिल का स्पोक जो है वो इस प्रकार से लगाया है, और इसे चिपकाने के लिए मैं एम सील का उपयोग करूँगा, क्योंकि दोस्तों जो एम सील होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और ये मतलब ठोस होकर मतलब एकदम से सॉलिड बन जाता है दोस्तों, एकदम पत्थर के जैसे। ओके तो, और ये हीट प्रूफ भी होता है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें अभी नाइक्रोम वायर लगाने वाले हैं, जिससे कि ये हीट होगा और हमारा जो PVC होगा वो मेल्ट होकर कटने लगेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसे परफेक्टली बिल्कुल ही मतलब सफाई से लगा लेना है। और दोस्तों, मैंने हैंडल बनाने के लिए पेन, 2 रुपये वाला पेन का एक पीस कट कर लिया है, और इसे हम इस प्रकार से इसमें डालकर इसको सुपर ग्लू से फिक्स कर लेंगे। अभी दोस्तों, इसमें आपको नाइक्रोम वायर जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो दोस्तों मैंने इसमें नाइक्रोम वायर पहले ही लगा दिया था, मतलब तो ये आइडिया दोस्तों फ्लॉप हो गया थोड़ा सा, तो इसको आप अवॉइड कर देना। और आपको 2 वायर लेने हैं, मतलब किसी भी तरह का वायर यहाँ पे चलेगा, नाइक्रोम वायर को बस आपको ज्वाइंट करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो मैंने नाइक्रोम वायर लगाया था वो मतलब काम नहीं किया, वो फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसे हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टेप से इस तरीके से कवर कर देंगे। और दोस्तों, बता दूं कि ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक पहले ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने इसमें एक नाइक्रोम वायर लगाया है, और इसे मैंने निकाला है पुराने प्रेस से, यानी जो कपड़ों वगैरह पे हम प्रेस करते हैं, इस्त्री जिसको बोलते हैं, उसी से मैंने ये नाइक्रोम वायर निकाला है। इसमें दोस्तों आपको ढेर सारी नाइक्रोम वायर मिल जाएगी। ओके तो इस तरीके से हमें इसे ज़्यादा नहीं लपेटना है, बस 2 से 3 राउंड आप लपेट दीजिए, ये इनफ है इसके लिए। ओके क्योंकि यहाँ कोई हम सोल्डरिंग आयरन नहीं बना रहे हैं, जिसके लिए हमें इसे बहुत ज़्यादा हीट करना होगा। इसमें हमें सिर्फ प्लास्टिक को यानी PVC को हीट करना है, जिसके लिए थोड़ी सी हीट भी इनफ है। और इसके वायर को इसमें हम वायर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और मैंने इसे सोल्डरिंग कर दिया है, आप अगर सोल्डरिंग नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, और इसे भी इलेक्ट्रिक टेप से कवर कर देंगे। और दोस्तों, बता दूं कि जो नाइक्रोम वायर है ये AC DC दोनों पर वर्क करेगा, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं रहता दोस्तों, और प्लस माइनस भी इसमें कोई नहीं रहता है। तो ठीक है, तो मैं इसे अपने AC to DC कन्वर्टर से चलाने वाला हूँ। दोस्तों, ये 12 वोल्ट और 16 वोल्ट पर वर्क करता है। अगर आपने इसे बनाया है तो आप पहले 12 वोल्ट पर ट्राई कीजिए, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा कर भी देख सकते हैं। ओके तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक PVC लिया है, और इसे मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, कि एकदम परफेक्टली तरीके से दोस्तों इसे कट करता है। और दोस्तों, पूरी गियर बनाने की प्रोसेस वीडियो मैंने एक पहले ही इसकी वीडियो बना रखी है, इसमें मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, तो इसकी उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी आसानी से, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने परफेक्ट गियर बनाने के बारे में बताया है। ओके तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट तरीके से इसने इसे कट किया है। एंड दोस्तों, ये परफेक्टली वर्क भी करता है, मैंने एक गोल गियर बना कर रखा है। और दोस्तों, इसकी गियर बनाने की परफेक्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पहले से ही, तो आप आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ओके तो दोस्तों, ऐसे ही आइडियाज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। ओके और इस वीडियो को हो सके तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।